आखिर कौन था वो आदमी जो रात को 3:44 पर किसी को उठा के ले गया। तो मैं आपका अपना अनूप सोनी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका क्राइम टीजल में। तो वापस से बात करते अपने केस की। तो ये कहानी शुरू होती है 1998 में, जब रात के 9:30 एक आदमी को इसकी बहुत ज़्यादा चुल लगी थी और उस दिन सारे मेडिकल स्टोर बंद थे। तो उसका ठीक परिणाम निकला 9 महीने बाद। 9 महीने बाद उनके घर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने हिमांशु रखा। तो लड़का जब 19 साल का हुआ तो उसे एक 13 साल की निब्बी से प्यार हो गया और उसने उसे अपनी KTM बाइक दिखा के सेट कर लिया। तो और देखते ही देखते उन्होंने लव मैरिज कर ली। पर हिमांशु की मम्मी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कि आपको हमेशा किचन में बर्तन मांजते हुए नजर आती है। तो देखा आप लोगों ने, निशा निब्बी को हिमांशु की मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे तो लग रहा है कि निशा निब्बी की किडनैपिंग के पीछे हिमांशु की मम्मी का ही हाथ है। खैर छोड़ो ये सब बातें, अपने से अपने को लगने से क्या, अपने को लगने से कुछ नहीं होता है। तो खैर ये सब तो दुख में है तो हम ही पुलिस को कॉल कर देते हैं। हाँ बट लेकिन पुलिस तो हर बार आती है क्राइम डीजल में, तो इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो इस बार हम बुलाएंगे CID को। मैं CID को कॉल कर देता हूँ। हाँ प्रदीपन सर, अरे भागवा वारदात में पहुँचो यार, जल्दी पहुँचो तुम। ये लो प्रेडिक्स, मिल गया मुजरिम, यही तो है मुस्कान कासिक। अरे ना बेटे, रील्स ना चल रही है, यूट्यूब वीडियो चल रही है, मुस्कान कासिक ना मुजरिम है ये। देखो किस तरह बर्तन मांज रही है, बिल्कुल भी टेंशन ना, गिरफ्तार कर लो इसे। साले हाथ भी लगा लिया ना इसकी, देखे सिर फोड़ दूंगी। ना बेटे ये थोड़ा मुजरिम, थोड़ा भारी लग रहा है मुजरिम ना, इसको मुजरिम करार ना कर सकते, निकल जाए यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने कि हिमांशु की मम्मी कितनी खतरनाक है, उन्होंने SCP प्रद्युम्न तक को धमकी दे दी। तो फिर निशानी भी उनके आगे क्या चीज़ है। मुझे तो लग रहा है कि हिमांशु की मम्मी ने ही निशानी भी को किडनैप कराया है। मुझे तो 100% लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, निशा निब्बी की किडनैपिंग के पीछे हिमांशु की मम्मी का, मैं बता रही हूँ पूरा निश्चित है। इसकी बहन का पर अपनी बात कोई सुनता ही ना, इसकी बहन पूरा ऐसे ऐसे बोलने के लिए रख रखा मेरे को, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, इसकी बहन का सुतरा मारूं। खैर छोड़ो, वापस से देखते हैं आगे की कहानी क्या होता है। सर ये लेटर मिला है अंदर से। मुझे तुमसे अच्छा कोई और मिल गया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारी प्यारी निशा। अबे इसकी बहन की सुतरी मारो, निब्बी से प्यार करेगा तो यही हो गया, कट गया साले का, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है। तो इस कहानी से मैं यही शिक्षा मिलती है कि फालतू में किसी की मम्मी पे शक करना नहीं और इन निब्बियों पे विश्वास करना नहीं। तो मैं अनूप सोनी आपसे यही कहना चाहूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और डीजल बेचते रहिए। तो मैं अनूप सोनी आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे जल्दी किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।